हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मोदी राज में जियो हुआ आबाद तो बीएसएनएल बर्बाद। चुनाव के बाद में निकाले जाएंगे बीएसएनएल के 54,451 कर्मचारी। बेरोजगारी को लेकर जहां देश में बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। अंग्रेजी अखबार डेकन हेरल्ड के मुताबिक बीएसएनएल ने चुनाव के बाद में अपने 54,451 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर ली है और चुनाव संपन्न होने के बाद इन कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आईआईएम अहमदाबाद ने दिया है सुझाव। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 तक बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या 1,74,312 थी। एक अनुमान के मुताबिक बीएसएनएल के कर्मचारियों की ये संख्या कुछ प्राइवेट कंपनियों से 5 गुना अधिक है। कर्मचारियों के अधिक संख्या के कारण बीएसएनएल पर अधिक वित्तीय भार है, जिसका इसका परिणाम ये है कि वर्ष 2019 के होली से कुछ दिन पूर्व तक कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाई थी। कंपनी को वित्तीय संकट से उभारने के लिए सरकार ने आईआईएम अहमदाबाद से शोध में सुझाव मांगा था, जिसके बाद आईआईएम ने कई सुझाव दिए थे। इन सुझावों में 54,451 कर्मचारियों को हटाने का सुझाव प्रमुख था। आईआईएम अहमदाबाद ने बीएसएनएल कर्मचारियों को बीआरएस अर्थात वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफर का सुझाव दिया है। ये बीआरएस 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के देने का सुझाव दिया है। आईआईएम के अनुसार इतने कर्मचारियों को बीआरएस देने पर कंपनी को साल में 1,671 करोड़ से 1,921 करोड़ तक की बचत होगी। बीएसएनएल के प्रबंध निर्देशक अनुपम श्रीवास्तव के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बंद कर दिया गया है, साथ ही मेडिकल भत्ता भी कम कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों की बिजली, प्रशासनिक और अन्य सुविधाओं पर खर्च होने वाले पैसे को भी कम करने का विचार किया जा रहा है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव का डिटेल भी लिया जा रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बीएसएनएल कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी तो दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी पर बेशर्मी से लात मारने की साजिश। नोटबंदी में तो गरीबों से हजारों रुपए ले लिए और अब हजारों बीएसएनएल के कारिंदों की नौकरी छीन लेने की तैयारी। बस इतना इंतजार है कि चुनाव खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे ताजा खबर के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शब्बा खैर।